सो नेक्स्ट सबहेडिंग लिख लीजिए फंक्शनलिज्म. यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. जब कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब डिस्कस किया है. तो फंक्शनलिज्म वी विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट मालिनोव्स्कीज अप्रोच, देन वी विल लुक एट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म विच इज द रैडक्लिफ ब्राउन्स कॉन्सेप्ट. ठीक है, प्लीज राइट. फंक्शनलिज्म अरोज, ARROSE अरोज एज ए रिएक्शन टू एवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म. रिएक्शन टू एवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म, इसलिए इसको डिफ्यूजन को भी क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, इन अर्ली 20th सेंचुरी, फुल स्टॉप. द रूट्स ऑफ फंक्शनलिज्म कैन बी फाउंड, रूट्स ऑफ फंक्शनलिज्म कैन बी फाउंड इन द वर्क ऑफ सोशियोलॉजिस्ट लाइक स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर. ठीक है, जिनके बारे में हम काफी पढ़ते आया है, हर्बर्ट स्पेंसर एंड एमिली दुर्खाइम. एमिली दुर्खाइम फंक्शनलिस्ट को काफी इन्फ्लुएंस कर रखा है. ठीक है, एमिली दुर्खाइम. सी व्हेन द नेम केम, जैसे एवोल्यूशनिस्ट केम, यू अंडरस्टूड द बाय नेम एवोल्यूशन कैसे होता है, प्रोग्रेसिव चेंज. डिफ्यूजनिज्म स्प्रेड कैसे होता है, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे फोकस करना. अगर इसी तरीके से, तो फंक्शनलिज्म क्या इंडिकेट करता है, द फंक्शंस ऑफ द कल्चर. सो मेनली द मोटिव ऑफ फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट इज टू नो द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर. ठीक है, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द कल्चर इवॉल्व, why various elements or traits of culture came into being. Getting the point? So, yahan par hamara focus jo rahega, that is on the function. Got it, guys? Vesh, Reshma? Theek hai, please write. Functionalism looks for the function that culture plays in order to maintain social system. This was the main focus. Social system को maintain करने के लिए कोई भी अगर cultural trait आता है, element आता है, उसका क्या function है in maintaining this social system. ठीक है, so that is the main motive, main focus of this functionalist school. ठीक है, continue कर लीजिए. It is a framework that considers, it is a framework that considers society as a system, society as a system whose parts, parts, whose parts work together to promote social solidarity and stability. To promote social solidarity and stability. This is the main function, main role. ठीक है, see यहां पर functionalism में भी two schools, जैसे purely functions ऊपर देखने वाला functional aspect पे, दूसरा वाला structural functionalism, structural aspect पे देखने वाला, दोनों side से देखता है. एक school जो है which is given by Malinowski, he was mainly focusing on the functional aspect. Another side से that person also looking at the functions of the cultural traits, Radcliffe Brown, but how those functions are keeping the structure of the society intact. Bas perspective alag hai, kaam same. Theek hai? Dekhne ka angle alag hai, kaam same hai. Theek hai, bas simple. Getting the point? You will get to know that. Dono ko cover karenge, you will get it. Please write.
नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, दिस अप्रोच लुक्स एट बोथ सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन स्टॉप. द मेन प्रोपोनेंट्स आर द मेन सी फंक्शनलिज्म एज अ होल देख रहे हैं, फिर मैलिनोवस्की का सेपरेटली देखेंगे. ठीक है, द मेन प्रोपोनेंट्स आर मैलिनोवस्की एंड रैडक्लिफ ब्राउन. ये आर रैडक्लिफ ब्राउन. सी द कॉन्सेप्ट गिवन बाय मैलिनोवस्की इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म. ठीक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट ही गिवन बाय रैडक्लिफ ब्राउन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. बस ठीक है, वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ठीक है, मतलब दे स्लाइटली डिफर इन देयर अप्रोचेस. प्लीज राइट नेक्स्ट पॉइंट में, बोथ वर फंक्शनलिस्ट बट देयर अप्रोचेस slightly differed. ठीक है, different हुआ है. अब इसमें सबसे फर्स्ट मैलिनोवस्की का देख लेते हैं, देन वी विल लुक एट द रैडक्लिफ ब्राउन. प्लीज राइट फंक्शनलिज्म ऑफ मैलिनोवस्की सब एडिंग. फंक्शनलिज्म ऑफ मैलिनोवस्की, सी अकॉर्डिंग टू मैलिनोवस्की इंडिविजुअल्स ऑफ वेरियस नीड्स, फिजिकल नीड्स जैसे हमारा बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं, लेट्स से हंगर को सेटिस्फाई करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारे फिजिकल सेटिस्फैक्शंस. देन एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव साइकोलॉजिकल नीड्स. सो इन सबको पूरा करने के लिए जो सिस्टम आया है विथ एलोबरेट प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट सिस्टम इज नथिंग बट सोशल सिस्टम. सो दैट्स व्हाट ही सेज. सो अकॉर्डिंग टू हिम the society exists in order to satisfy the needs of the individuals. ठीक है, various cultural practices इसलिए आता है हमारा needs को पूरा करने के लिए. That's what Malinowski says. So thereby emphasizing on the functional elements, functional aspects of the cultural elements or social elements. ठीक है, please write. Malinowski suggests that individuals have physiological needs, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे इनके हिसाब से जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, इट कुड बी लाइक हंगर, सेटिस्फैक्शन ऑफ हंगर. ठीक है, रिप्रोडक्शन, शेल्टर एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, एंड दीज नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द सोशल इंस्टीट्यूशंस. एंड दीज नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द सोशल इंस्टीट्यूशंस. सी सिंपल है, अगर शेल्टर का नीड फुलफिल करना है, यू नीड अ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, फैमिली प्रोवाइड्स द शेल्टर. हंगर सेटिस्फाई करना है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सम सॉर्ट ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन शुड बी देयर. सिमिलरली रिप्रोडक्शन को सेटिस्फाई करना, सम सॉर्ट ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशन. सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन केम इन टू बींग टू सेटिस्फाई द नीड्स. दैट्स व्हाट ही सेज. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, according to him individual needs are necessary condition, next point mein likh lijiye,
ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स फ्रेजर्स बुक गोल्डन बाउ, गोल्डन बाउ टू स्टॉप. ही बिलीव्ड दैट, कंटिन्यू कर लीजिए, ही बिलीव्ड दैट ऑल द कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन ए सोसाइटी, ऑल द कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन ए सोसाइटी आर इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड, इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड. So that if one changes integrated and interrelated, so that if one changes, the other is also going to change. The other is also going to change. इन्होंने काफी एथनोग्राफिक स्टडीज किया है मेलानोस्की. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क इज द एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, दैट इज ट्रोबियांडर आइलैंडर्स को स्टडी किया है. सो इन दिस व्हेन ही वाज डूइंग द एंटायर एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ ट्रोबियांडर्स, ही नोटिस्ड दैट इनका रिलीजन है, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गोल्डन बॉस बुक जिसमें मैजिक रिलीजन साइंस के बारे में बात करते हैं, एवोल्यूशन. सो ही स्टडीड देयर मैजिक प्रैक्टिसेस, he studied their religion, he studied their economic organization which is a fishing community. theek hai, ye sab jab study kiya tha, inka social organization, political organization, all of them are linked. if there is any change in one particular institution, the respective other institutions which are closely interrelated, integrated with this particular institution are also being changed, and all of them are existing in order to satisfy the human needs. फॉर एग्जाम्पल ट्रोबियांडर आइलैंडर्स का नीड्स जो है, जैसे सेटिस्फाइंग हंगर, लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हंगर ओनली, ठीक है. एंड दे आर व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी, दे आर ए फिशिंग सोसाइटी. ऑफकोर्स आइलैंडर्स मिड ओशन पे रहते हैं, पैसिफिक ओशन पे, फिशिंग इज द मेन एक्टिविटी. एंड यहाँ पर ये फिशिंग जो है इनके लिए, इट्स नॉट सिंपली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. फिशिंग, जब भी फिशिंग एक्सपीडिशंस लेते हैं, दे परफॉर्म एलोबरेट मैजिकल प्रैक्टिसेस. हमने भी देखा है, मैजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं. सो देयर रिलीजन इज आल्सो लिंक्ड विद दिस फिशिंग एक्टिविटी. इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो लिंक्ड, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो लिंक्ड. ठीक, सो इस तरीके से ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस दे आर लिंक्ड विद दिस फिशिंग एक्टिविटी. अगर इसमें चेंज आया तो द सेम चेंज कैन बी सीन इन अदर सोसाइटीज. So all of them are happening in order to satisfy their needs. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने functional aspect of the culture को study करने लगा. ठीक है, please write. In his ethnographic study of Trobianders, in his ethnographic study of Trobianders, bracket में लिख लीजिए, book का name है The Agronauts of Western Pacific. The Agronauts of Western Pacific, bracket closed. He studied that entire economic system has link with magic, religion, myth, kinship, trade, etc. Magic, myth, religion, kinship, trade, etc. See, यहां से इन्होंने एक और पॉइंट कहा है. अगर आपको मतलब एक इंस्टीट्यूशन को पढ़ने लगेंगे आप, सो यू एंड अप इन स्टडिंग ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि लीड होता है, एक का एक लीड होता है. ठीक है, एक का एक इंटरकनेक्टेड है. सो इफ यू वॉन्टेड टू स्टडी वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, यू विल नेसेसरली एंड अप विथ studying all other institutions. They are interrelated, integrated, all of them are together satisfying certain functions, performing certain functions to satisfy the needs of the humans. This is what he says. So stop, continue kar lijiye. So in order to do a holistic study, the ethnographer has to consider other parts
अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, इवन इफ वी स्टडी वन इंस्टीट्यूशन, इवन इफ वी स्टडी वन इंस्टीट्यूशन, वी एंड अप विथ स्टडीइंग अदर इंस्टीट्यूशंस, एंड अप विथ स्टडीइंग अदर इंस्टीट्यूशंस. इसीलिए इसको कहते हैं ना कि मतलब नीड्स फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, सिंपल फंक्शनलिज्म और नीड्स फंक्शनलिज्म भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. ही लुक्ड एट कल्चर, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, लास्ट में खत्म कर लेते हैं. ही लुक्ड एट कल्चर एज अ टूल टू सैटिस्फाई नीड्स ऑफ पीपल, एज ए टूल टू सैटिस्फाई नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, नीड्स ऑफ पीपल आर इंडिविजुअल्स. ठीक है, stop. Due to the emphasis on biological needs in his approach, it is also known as biocultural functionalism. अगर कल क्वेश्चन ऐसे आया biocultural functionalism, don't get confused कि हमारा सिलेबस में नहीं है. इसी को biocultural functionalism भी कहते हैं, क्योंकि ही हैज एम्फसाइज्ड टू मच ऑन बायोलॉजिकल नीड्स. ऑल टुगेदर ही हैज गिवन 7 सच बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमंस. सो ऑल ऑफ देम आर सैटिस्फाइड बाय द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कल्चर. इसलिए इसको बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स एंड ही हैज ऑल्सो डन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इट. ठीक है, इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है. He has neglected the historical perspective, जैसे historical particularism में बात करते हैं. Ecological factors को neglect किया है. Neoclassical, new evolutionist बाद में आएंगे, जैसे Julian Steward वगैरह, वो criticize करते हैं इसका needs approach को. बोलता है कि local ecological factors को neglect के लिया था completely, इस तरीके से. And it also neglects, देखो functions के बारे में बात कर रहा है completely, but dysfunctions of the culture, जो फंक्शंस नहीं परफॉर्म करते हैं या जो नहीं चाहिए वो फंक्शंस को करते हैं, ये सारी चीजें मिसिंग है. प्लीज राइट क्रिटिसिज्म, लिख लीजिए क्रिटिसिज्म ऑफ मालिनोव्स्कीस फंक्शनलिज्म. सब हेडिंग लिख लीजिए क्रिटिसिज्म. फर्स्ट वन बाय वन लिख लीजिए. इट डिड नॉट मेंशन व्हाई एंड हाउ दीज नीड्स एमर्ज. मतलब ग्रांटेड लिया है कि नीड्स आर देयर, बट व्हाई एंड हाउ. सी ही वाज सेइंग अबाउट द नीड फॉर रिप्रोडक्शन, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु डज नॉट गो फॉर रिप्रोडक्शन, हु वांटेडली वॉलंटरली डज नॉट गो फॉर रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट नीड, हाउ दैट नीड एमर्ज्ड. ठीक है, वो वाला नहीं बताया है. सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, सेकेंड क्रिटिसिज्म. It ignored the historical perspective, and without historical perspective it is almost impossible to understand the entire culture. Historical particularism यही कहता है, you need to understand from their historical perspective. Third point लिख लीजिए. Ecological factors were ignored. Next point. Functionalism neglected the inequalities like gender, income, class, race, caste, etc. which became main agents of conflict and tension which are dysfunctions of culture. मतलब desired नहीं है, कोई भी नहीं चाहता है ना लड़ाई झगड़ा हो, but that is happening because of these elements, which is a dysfunction of culture, but he did not talk about them. So this is all about Malinowski's functionalism. समझ में आया? चार पांच पॉइंट्स है, ज्यादा कुछ नहीं है.
नंबर वन इंटीग्रेटेड इंटर रिलेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, वाई सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है, हाउ वेरियस मींस के थ्रू एग्जांपल्स दे देंगे हम, देन वी प्रोवाइड सम ऑफ द स्टडीज डन बाय हिम इन ऑर्डर टू वैलिडेट हिज थ्योरी, एंड ही सेज फाइनली द कल्चर एग्जिस्ट द सोसाइटी एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द इंडिविजुअल नीड्स. सो यहां पर एरो मार्क अगर देखना है, सो इंडिविजुअल्स आर गिवेन सुप्रीम पोजिशन एंड योर सोसाइटी आर कल्चर इज एग्जिस्टिंग, सोसाइटी इज एग्जिस्टिंग विथ दीज कल्चरल एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. सो प्राइमेसी हैज बीन गिवेन टू द इंडिविजुअल्स हियर, ठीक है, समझ में आ गया, इंडिविजुअल्स एंड देयर नीड्स को प्राइमेसी दिया है और उसका कंट्रीब्यूशन एंड देन क्रिटिसिज्म वगैरह हमने देखा है.